आज हम लोग सॉल्व करेंगे एडवांस एक्सेल की कुछ एडवांस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ क्वेश्चन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी कॉलम या किसी भी रो को कलर करना और किसी शर्त के हिसाब से कलर करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो एग्जांपल नंबर वन है वो है हाईलाइट द डिस्क्रिप्शन इन रेड फिल इफ़ द अमाउंट इज़ मोर देन 1000। मीन्स अगर यहाँ अमाउंट 1000 से ज़्यादा हो तो ये डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम कलर हो जाए। तो इसको कलर करने के लिए सबसे पहले जिसको कलर करना है उसी रेंज को हमको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे एग्जांपल में हमको इस रेंज को कलर करना है तो इसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम में। ये होम है और होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे न्यू रूल यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और यहाँ पे हमको एक छोटा सा फार्मूला लिखना होगा कि 1000 से ऊपर जो वैल्यू है बस उसी पे कलर लगे और जो 1000 से नीचे उस पे कलर ना लगे। तो हम लोग यहाँ चलाएंगे इफ़। अब शर्त ये है कि अमाउंट 1000 से ऊपर हो तो हम ये वाला सेल लेंगे और इस सेल का जब रेफरेंस लेंगे तो इस पे जो डॉलर लगा है उस डॉलर को हम लोग हटा लेंगे F4 से। अब ये सेल अगर बड़ा हो यानी ग्रेटर हो किससे 1000 से 1000 से कॉमा तो इस पे कलर लग जाए। कलर लग जाए इसके लिए हम लिखते हैं 1 और कलर ना लगे इसके लिए लिखते हैं 0 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब हमको कलर लगाना है कि जो 1000 से ऊपर हो तो इस पे कौन सा कलर लगे। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से कलर सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमको रेड फिल से कलर करना है तो यहाँ पर रेड ले लेंगे और ओके कर दिया। तो ये कलर लग गया। अब इसमें से जो संख्या 1000 से ऊपर है उस पर कलर लग गया है, जो वैल्यू 1000 से नीचे है उस पर कलर नहीं लगा। ये जो शीट है जिसको जिस पे सॉल्यूशन है इसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे। हाईलाइट एंटायर टेबल इन रेड फिल इफ द अमाउंट इज़ लेस देन 700। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कलर करने के लिए कहा गया है एंटायर टेबल को। तो अगर एंटायर टेबल को कलर करना हो तो पहले पूरी टेबल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे हेडिंग को छोड़ के। ये पूरी टेबल सिलेक्ट करने के बाद कलर लगाने के लिए हमको यहीं जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ न्यू रूल में। अब यहाँ हमको फिर से फार्मूला लिखना है तो यहीं जाएंगे यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट और यहाँ पे इफ़ का फंक्शन चलाएंगे इफ़। अब जो हमारी शर्त है वो है अमाउंट वाला कॉलम कि अगर अमाउंट 700 से कम हो तो कलर हो जाए। तो इसी सेल का एड्रेस हमको लेना है। अब जब सेल का एड्रेस लेंगे तो यहाँ फिर एक बात का ख्याल रखना है कि हमको पूरी टेबल पर कलर लगाना है। तो ये जो डॉलर लगे हुए हैं इसमें कॉलम पे डॉलर रहना चाहिए और रो पे से डॉलर हटा देना चाहिए। तो हम लोग F4 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे से जो डॉलर लगा है वो सिर्फ कॉलम के पहले लगा है, रो के पहले नहीं है। तो अगर आपको एंटायर टेबल कलर करना हो तो ये रूल आपको याद रखना है कि जो डॉलर लगे वो कॉलम के पहले लगे, रो के पहले डॉलर हटा देना है। अब आगे फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो इफ़ ये सेल लेस देन 700 हो तो लेस देन का साइन लगाएंगे और 700 कॉमा तो अगर ये सेल 700 से कम हो तो कलर हो जाए उसके लिए लिखेंगे 1 और कलर ना हो उसके लिए लिखेंगे 0। ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट में जाएंगे, कलर लगाएंगे और कलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको रेड ही लगाना है। यहाँ रेड पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो भी ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कलर लगा है वो सारी वैल्यू 700 से कम है और पूरे टेबल पे कलर लगा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 3। हाईलाइट द फोलियो नंबर, फोलियो नंबर यानी इस कॉलम की बात हो रही है तो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसी को हमको कलर करना है। इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड वाइट कलर टेक्स्ट इफ इन्वेस्टमेंट टाइप इज डिबेंचर इंटरेस्ट। यानी इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा हो तो ये कॉलम कलर हो जाए, अदरवाइज कलर ना हो। तो चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और न्यू रूल और फिर से यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट और यहाँ फिर से इफ का फंक्शन चलाते हैं इक्वल टू इफ इफ। अब जो हमारी शर्त है वो इन्वेस्टमेंट टाइप यानी यही वाला सेल है कि अगर इन्वेस्टमेंट टाइप डिबेंचर इंटरेस्ट हो तो कलर हो जाए। तो इसी सेल का एड्रेस लेंगे
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ एक कॉलम को कलर करना है, तो यहाँ पे दोनों डॉलर हम लोग को हटा देने हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है कि पूरी टेबल कलर करनी है या एक पर्टिकुलर कॉलम। अगर पूरी टेबल कलर करनी हो तो कॉलम पे डॉलर रहता है, रो पे डॉलर नहीं रहता है, लेकिन अगर कॉलम को कलर करना हो तो दोनों पे से डॉलर आपको हटा देना है। इस सेल में बेसिकली टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इक्वल टू, यानी हम लोग को क्लॉज ये लिखना है कि अगर इस सेल में एग्जैक्टली डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा हो तो डिबेंचर इंटरेस्ट टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डिबेंचर। अब स्पेलिंग का बहुत ही ख्याल रखिएगा, स्पेलिंग अगर गलत होगी तो फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो हमने क्लॉज लिख दिया कि अगर इस सेल में डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा हो तो कलर हो जाए उसके लिए लिखेंगे 1 और कलर ना हो उसके लिए लिखेंगे 0। क्लोज। अब फॉर्मेट में कलर लगाएंगे तो कलर लगाते समय यहाँ पे काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो तो बैकग्राउंड के लिए फिल में जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे ब्लैक कलर। फिर लिखा है वाइट कलर का टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो कलर है इसको ले लेंगे वाइट। कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ले लेंगे वाइट। तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड ब्लैक कलर का और वाइट कलर का टेक्स्ट। ओके करते हैं तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ये बैकग्राउंड ब्लैक कलर का और टेक्स्ट वाइट कलर का। तो ये कलर लग गया। अब जहाँ जहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा है बस वही वही कॉलम यहाँ पे कलर हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हाईलाइट बिल नंबर इन रेड फिल इफ़ डेट इज़ ग्रेटर देन 1/4/2014, यानी कि यहाँ पे अगर डेट 1/4 से ज़्यादा हो तो कलर हो जाए अन्यथा कलर ना हो। और हमको कलर करना है बिल नंबर को, तो बिल नंबर को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में चलते हैं न्यू रूल। और यहाँ यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे अगेन हमको इसका फंक्शन चलाना है इक्वल टू इफ। अब जो इस क्वेश्चन में शर्त है वो है डेट, यानी ये वाला कॉलम, ये डेट वाला कॉलम, तो इसी सेल का एड्रेस लेंगे। और क्योंकि हमको एक कॉलम को ही कलर करना है तो डॉलर दोनों पे से हटा देंगे। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो हमको कलर करना है वो ग्रेटर देन का साइन लगाना, तो इफ़ ये सेल इज़ ग्रेटर देन। अब क्वेश्चन में अगर डेट है तो आपको यहाँ पे डेट वैल्यू लिखना होगा, डेट वैल्यू। तो हमारा जो क्लॉज है वो ये है कि अगर इस सेल में जो डेट वैल्यू हो, ब्रैकेट ओपन करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में डेट लिखेंगे, डेट लिखनी हमको 1/4/2014। तो जो हमारा क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, हमने जो क्लॉज लिखा वो ये लिखा कि अगर इस सेल में जो डेट है वो 1/4/2014 से ज़्यादा हो तो कलर लग जाए उसके लिए लिखेंगे 1 और कलर ना लगे उसके लिए लिखेंगे 0। और हमको रेड फिल से कलर करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और फिल में रेड ले लेंगे। ओके। तो यहाँ पे जो जो डेट 1/4/2014 से ज़्यादा है, ग्रेटर है, उस पर कलर लग चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल नंबर 5। हाईलाइट पार्टी नेम इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जो पार्टी नेम है इसी पे हमको कलर करना है, तो पहले ही इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको इसी को कलर करना है। और इस पे लगाना है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड और वाइट कलर का टेक्स्ट इफ़ डेट इज़ लेस देन 1/6/2014। तो अगेन पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले तो न्यू रूल में चलते हैं, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ पे हमको फिर से एक बार इफ का फंक्शन चलाना है इक्वल टू इफ। अब जो हमारी शर्त है वो डेट से रिलेटेड है तो इसी सेल का एड्रेस लेंगे, डॉलर हटा देंगे इसमें से। अब ये सेल लेस देन का साइन लगाना है, हमको लेस देन लिखना है तो लेस देन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, और डेट जब भी लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो डेट लिखनी हमको 1/6/2014 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। हमने क्लॉज लिख लिया कि अगर ये सेल 1/6/2014 से छोटा हो तो कलर हो जाए उसके लिए लिखेंगे 1, कलर ना हो उसके लिए लिखेंगे 0, और फॉर्मेट में जाकर कलर लगाएंगे। तो हम लोग को लगाना है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, तो फिल में जाके ले लेंगे ब्लैक
और वाइट कलर का टेक्स्ट, तो फॉन्ट में जा करके फॉन्ट का कलर ले लेंगे वाइट और ओके। इसको भी यहाँ पे वो सारे नाम हाईलाइट हो गए जिनकी डेट 1/4/2014 से कम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हाईलाइट एंटायर टेबल इन येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड कलर टेक्स्ट इफ डेट इज बिटवीन 1/2/2014 से 31/5/2014 के बीच की अगर डेट हो तो एंटायर टेबल पे कलर लगाना है। तो एंटायर टेबल पे जब भी कलर लगाना होगा तो ध्यान से हम लोगों को कॉलम पे डॉलर लगाना है, रो पे से डॉलर हटाना है। पहले पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कलर पूरी टेबल पे लगाना है। चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ दो बातें आपको ख्याल रखनी है। पहले तो यहाँ शर्तें दो हैं, एक तो ये डेट है और एक तो ये डेट है। अब अगर दो डेट हैं तो यानी इफ के साथ आपको एंड चलाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला काफ़ी लंबा होने वाला है तो ध्यान से देखिएगा। इफ और इफ के साथ एंड हमको चलाना पड़ेगा क्योंकि शर्तें दो हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखते हैं बिल डेट, क्योंकि जो शर्त है वो बिल डेट ही है। ये सेल लेंगे। अब चूंकि पूरे टेबल को कलर करना है इसीलिए कॉलम पे से डॉलर लगाना है, रो पे से हटाना है। तो F4 प्रेस करेंगे तो ये हमारा कॉलम पे डॉलर लग गया और रो पे से डॉलर हट गया। अब पहली शर्त लिखेंगे कि ये डेट वाला सेल जो है 1/2/2014 से ज़्यादा हो, तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में डेट लिखेंगे 1/2/2014 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो हमने पहली शर्त लिखी कि अगर ये सेल जो डेट है वो 1/2/2014 से ज़्यादा हो। अब हमको दूसरी शर्त लिखनी है, फिर से यही सेल लेंगे, डॉलर का ख्याल रखेंगे, डॉलर हमको हटाना है और कॉलम पे लगाना है। अब ये सेल अगर छोटा हो, फिर से डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा अब डेट लिखेंगे 31/5/2014 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमने दूसरी शर्त लिखी कि अगर डेट वैल्यू 31/5/2014 से कम हो। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट जो बंद हुआ है वो डेट वैल्यू का बंद हुआ है, एक ब्रैकेट और क्लोज करना है हमको जो हमने एंड खोला था उसके लिए। अब कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू यानी कलर हो जाए, कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स कलर ना लगे। तो ये आपने देखा थोड़ा सा एंड का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप ध्यान से चलाएंगे तो चल जाएगा। फॉर्मेट में जाएंगे, कलर लगाएंगे, तो कलर हमको लगाना है येलो कलर का बैकग्राउंड, तो फिल में येलो कलर ले लेंगे और रेड कलर का टेक्स्ट लेना है तो फॉन्ट में जा करके कलर रेड ले लेंगे और ओके। तो ये हमारा कलर लग गया है, येलो कलर का बैकग्राउंड, रेड कलर का टेक्स्ट और पूरी टेबल पे लगा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, हाईलाइट एंटायर टेबल इन येलो कलर If the amount is between 500 to 1000 with green fill by using conditional formatting। तो यहाँ पे अगेन हमको पूरी टेबल पे कलर करना है तो हेडिंग छोड़ के, तो पहले पूरी टेबल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला और यहाँ पे हम लोग को इसका फंक्शन चलाना है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दो शर्तें हैं, 500 से ज़्यादा हो और 1000 से कम हो। तो अगेन इफ के साथ एंड चलाएंगे, इफ एंड इफ के साथ एंड। अब हम लोग को लेना है शर्त, तो 500 अमाउंट की बात हो रही है तो ये वाला सेल एड्रेस ले लेंगे और यहाँ पे फिर से हमको पूरी टेबल पे कलर करना है तो कॉलम पे डॉलर लगाना है, रो पे से डॉलर हटा देना है। खास ख्याल रखना है इस बात का। आगे लिखते हैं, इफ ये सेल अगर बड़ा हो 500 से कॉमा। अब दूसरी शर्त लिखनी है, यही सेल का रेफरेंस लेंगे, फिर से डॉलर का ख्याल रखेंगे, कॉलम पे डॉलर होना चाहिए, रो पे से डॉलर हट जाना चाहिए। यही सेल अगर छोटा हो 1000 से, तो ये हमारा एंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एंड क्लोज करेंगे, कॉमा वैल्यू ट्रू के लिए 1 और वैल्यू फॉल्स के लिए 0 क्लोज। और सॉरी गलत बटन दब गया, ये हमारा फॉर्मूला यहीं पे क्लोज हो गया।
और फॉर्मेट में जाएंगे, कलर लगाएंगे। कलर हम लोग को लगाना है येलो कलर, फिल्म में येलो कलर। ओके, तो यहाँ पे येलो कलर लग गया है। जो वैल्यू 500 और 1000 के बीच में है सिर्फ उन्हीं पे कलर लगा है, बाकी जो 500 से छोटी हैं 1000 से बड़ी उन पे कलर नहीं लगा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 8, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन बिल नंबर विच फॉल्स ड्यू विद इन 70 to 100 डेज, दैट बिल नंबर विल बी अपीयर इन गोल्ड एंड रेड इन कलर। तो यहाँ पे जो हमको कलर करना है बिल नंबर पे कलर करना है, तो बिल नंबर वाला कॉलम हाईलाइट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ एक बार फिर इसका फंक्शन चलाते हैं। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं शर्तें दो हैं, 70 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो। तो फिर से इफ और इफ के साथ एंड। अब शर्त नंबर 1 लिखनी है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 70 से 80 दिन अगर ड्यू डेज की बात हो रही है, ड्यूज विद इन 70 to 100 डेज, यानी इस सेल की बात हो रही है, तो इस सेल का एड्रेस लेंगे। अब यहाँ पे दोनों डॉलर हमको हटाने, क्योंकि हमको पूरी टेबल को कलर नहीं करना है सिर्फ कॉलम को कलर करना है, तो ये दोनों डॉलर हटा देंगे। अब ये सेल अगर बड़ा हो 70 से कॉमा, फिर इसी सेल का एड्रेस लेंगे, डॉलर हटा देंगे। और यही सेल अगर छोटा हो 100 से, अब यहाँ पे एंड क्लोज हो जाएगा कॉमा। अब वैल्यू ट्रू के लिए लिखेंगे 1 और क्लोज कॉमा, वैल्यू फॉल्स के लिए लिखेंगे 0। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट में जाएंगे, कलर लगाएंगे, तो हम लोग को जो कलर करना है वो करना है बोल्ड, पहले तो बोल्ड करना है, तो फॉन्ट में जाएंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। ये है बोल्ड, पहला हो गया। और रेड कलर करना है, तो रेड कलर फिल में जाएंगे और इसको रेड कलर कर देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा वो बोल्ड हो जाएगा प्लस रेड कलर में आएगा। तो ऐसी दो वैल्यूज हैं जो हमारी कंडीशन में आ रही हैं 70 से 100 के बीच में। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 9, हाईलाइट द आईडी फील्ड, यानी एम्प्लॉय आईडी को हमको कलर करना है। तो पहले इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसको कलर करना होता है उसी को हमको सिलेक्ट करना है। और कलर करना है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, बोल्ड इटैलिक वाइट कलर का टेक्स्ट होना चाहिए। व्हेन द स्टेट इज़ राजस्थान एज वेल एज YTD सेल इज़ ग्रेटर देन 50,000। तो यहाँ दो शर्तें हैं, स्टेट राजस्थान होना चाहिए और YTD सेल यानी ये कॉलम 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दो शर्तें हैं, तो इसके साथ एंड चलाएंगे। यूज ए फॉर्मूला, इक्वल टू इफ और इफ के साथ एंड। अब शर्त लिखते हैं पहली, तो पहली शर्त है कि ये वाला जो सेल है डॉलर हटा देंगे इसका। इस सेल में अगर राजस्थान लिखा हो तो ये सेल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में राजस्थान हो कॉमा। दूसरी शर्त है YTD सेल यानी ये वाला सेल, डॉलर हटाएंगे इसका, इक्वल टू नहीं, ये YTD सेल ग्रेटर हो यानी बड़ा, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे 50,000 से, 50,000 से। और यहीं पे एंड क्लोज हो जाएगा। तो ये दो शर्तें हमने लिख ली कि अगर ये सेल में राजस्थान लिखा हो और YTD सेल अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो कलर हो जाए, नहीं तो कलर ना हो। ब्रैकेट क्लोज। अब फॉर्मेट में जाएंगे और एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग को ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगाना है, तो फिल में जाएंगे और ब्लैक ले लेंगे। और बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो फॉन्ट में जाएंगे, बोल्ड इटैलिक एक साथ दबा देते हैं। और वाइट कलर का टेक्स्ट रखना है, तो फॉन्ट का कलर वाइट। ओके, अब इसको ओके। तो ये दो सेल कलर हो गए हैं जो कि राजस्थान है और YTD सेल इनका 50,000 से ज़्यादा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जांपल नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं। कॉन्फ़िगर कस्टमर नेम फील्ड इन सच अ वे सो दैट द कस्टमर हूज डाउन पेमेंट इज बिटवीन 8,000 to 10,000 देयर नेम विल बी शोन इन रेड कलर। तो नाम को कलर करना है, तो कस्टमर नेम को हाईलाइट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके चलते हैं न्यू रूल में।
यहाँ पे भी दो शर्तें हैं, तो इसके साथ हमको एंड ही चलाना है यहाँ पे। डाउन पेमेंट की बात हो रही है कि डाउन पेमेंट 8000 10000 से ज़्यादा हो, यानी ये वाला कॉलम, तो इक्वल टू इफ और इसके साथ एंड। तो डाउन पेमेंट वाला सेल लेते हैं, डॉलर हटा देते हैं क्योंकि हमको एक कॉलम को ही कलर करना है। तो ये सेल अगर 8000 से ज़्यादा हो तो ग्रेटर देन 8000 कॉमा, फिर यही सेल डॉलर हटाएंगे इसका अगर छोटा हो 10000 से, एंड को क्लोज करेंगे कॉमा 1, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब फॉर्मेट में जाके कलर लगाएंगे, तो जो कलर हमको करना है वो करना है रेड कलर, तो फिल रेड, ओके अगेन ओके। यहाँ दो ऐसी वैल्यूज हैं जो 8 और 10 के बीच में आ रही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल नंबर 11। ओके एग्जांपल नंबर 11 थोड़ा सा नया है, तो यहाँ हम लोग को थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। हाईलाइट द सेल्समैन नेम विथ लाइट ग्रीन फिल हु गेट मैक्सिमम कमीशन। तो यहाँ पे हमको सेल्समैन के नाम को कलर करना है, और उस सेल्समैन के नाम को कलर करना है जिसका कमीशन सबसे ज़्यादा हो। तो पहले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं क्योंकि यहीं से हमको कलर लगाना है। ओके तो यहाँ पे हम लोग को इक्वल टू इफ, यदि अगर इफ ये जो सेल है कमीशन, क्योंकि यही हमारा सेल है, तो ये सेल डॉलर हटाएंगे इसका, ये सेल साइन लगाएंगे इक्वल टू का। अब ये सेल अगर इन सारे सेल में सबसे बड़ा हो तो उसके लिए हम लोग को चलाना होता है मैक्स फंक्शन। सबसे बड़ा अगर हमको निकालना हो तो हम लोग चलाते हैं मैक्स। तो इफ ये सेल इक्वल टू मैक्स, मैक्स में हम लोग को अंदर पूरी रेंज का रेफरेंस ले लीजिएगा यहाँ तक। अब जो क्लॉज है वो ये है कि अगर ये सेल इन सब में सबसे बड़ा होता है तो, यानी कॉमा, कलर लग जाए, और नहीं तो कलर ना लगे। ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मेट में जाएंगे और हम लोग को जो कलर करना है लाइट ग्रीन करना है। फॉर्मेट और ये लाइट ग्रीन है, ओके। तो जो अभिषेक हैं उनका जो कमीशन है वो इन सब में सबसे ज़्यादा है, तो ये कलर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, हाईलाइट द सेल्समैन नेम विथ लाइट ग्रीन फिल हू गेट सेकंड हाईएस्ट कमीशन। तो अभी इससे पहले जो हमने चलाया था वो सबसे बड़ा निकाला था, अब हमको निकालना है सेकंड हाईएस्ट। तो इसके लिए हम लोग चलाते हैं लार्ज। तो फिलहाल पहले ये देखते हैं किसको कलर करना है, तो सेल्समैन नेम को कलर करना है। तो सेल्समैन नेम को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, और यहाँ पे इक्वल टू इफ। अब जो हमको कलर करना है वो कमीशन के बेसिस पे करना है, तो कमीशन वाला सेल लेंगे और डॉलर हटा देंगे याद से। अब ये सेल इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अगर ये सेल बराबर हो किसके, तो यहाँ फंक्शन चलाना है हमको लार्ज, क्योंकि जब हमको सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट निकालना होता है तो हम लोग लार्ज चलाते हैं। अब लार्ज जब फॉर्मूला चलाएंगे तो सबसे पहले लार्ज में पूछता है एरे, तो एरे हमारा ये पूरा रेंज हो जाएगा कॉमा। अब लार्ज में एरे के बाद बताना होता है के, के का मतलब होता है नंबर, कौन सा लार्ज, तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट बताना है, तो कॉमा करके हम सेकंड हाईएस्ट के लिए लिखेंगे 2। ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया इसका कि अगर ये सेल लार्ज हो, और वो भी कौन सा लार्ज हो, सेकंड। अब कॉमा कलर लग जाए, कॉमा कलर ना लगे, फॉर्मेट में जाएंगे और कलर लगाएंगे। तो हमको कलर जो लगाना है लाइट ग्रीन फिल ही लगाना है, तो फिर से लाइट ग्रीन और अगेन ओके। तो अल्बर्ट पीटर है, इनका सेकंड हाईएस्ट कमीशन है जो कि आपको दिख रहा है, ये इतना है, इससे ज़्यादा कमीशन इनका है, लेकिन हमारा कलर जो हुआ है वो ये हुआ है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड हाईएस्ट कमीशन पे कलर लगाया है।
तो ये जो सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है, उसके लिए लार्ज चलाते हैं। अगर वहीं लोएस्ट का केस हो जाए तो स्मॉल चलाते हैं, जैसा कि आपको नेक्स्ट एग्जांपल में वही केस दिखेगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, हाईलाइट द सेल्समैन नेम विथ लाइट रेड फिल हु गेट मिनिमम कमीशन। अब सबसे छोटा यानी मिनिमम निकालना है तो हम इफ़ के साथ मिन का यूज़ करेंगे। फिलहाल सेल्समैन नेम को ही कलर करना है, ग्रीन सिलेक्ट करेंगे और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला और यहाँ पे इफ। अब यहाँ पे इफ के साथ हमको मिन का फंक्शन चलाना है, इक्वल टू इफ, आर्ग्यूमेंट यही लिखना है कि इफ ये सेल, डॉलर हटा देना है हम लोग को, इफ ये सेल इक्वल टू मिन। जैसे वहाँ पे हम लोग लार्ज चलाए थे, मैक्स चलाए थे, उसी तरह से यहाँ पे सबसे छोटा निकालना है तो मिन, मिन। अब मिन का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें मिन में रेंज ले लेते हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ रेंज ले लेंगे मिन के अंदर। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसके अंदर जो डॉलर लगे हैं वो नहीं हटाने हैं, कॉमा वन और कॉमा जीरो। फॉर्मेट में जाएंगे, कलर लगा देंगे, तो कलर हमको लगाना है लाइट रेड फिल, तो लाइट रेड के लिए मैं ब्राउन लगा देता हूँ, लाइट रेड फिलहाल नहीं मिल रहा है। ओके ओके, तो ये जो हमारा आंसर तपन डे, ये जो है सबसे मिनिमम कमीशन इन्हीं का है, दी गई रेंज में सबसे छोटा कमीशन इसका है। एग्जाम्पल नंबर 14, हाईलाइट द पार्टी नेम इन येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड कलर टेक्स्ट हूज ड्यू अमाउंट इज थर्ड लोवेस्ट। तो अब यहाँ पे थर्ड लोवेस्ट निकालना है तो हम लोग चलाएंगे इफ के साथ स्मॉल का फंक्शन। तो फिलहाल कलर करना है पार्टी नेम को, पार्टी नेम को सिलेक्ट करते हैं। एक फंक्शन आपने देखा लार्ज, एक फंक्शन होता है स्मॉल। जब सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट निकालना हो तो लार्ज चलाते हैं, उसी तरह से सेकंड लोवेस्ट थर्ड लोवेस्ट निकालना हो तो स्मॉल चलाते हैं इफ के साथ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल और यहाँ पे इक्वल टू इफ, इफ ये सेल। अब कौन सा सेल, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, हाईलाइट पार्टी नेम इन येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड कलर टेक्स्ट हूज ड्यू अमाउंट, यानी इस सेल की बात हो रही है। तो ये सेल लेंगे, डॉलर हटा देंगे इसका, इक्वल टू स्मॉल, फंक्शन जो चलाना है हमको स्मॉल। अब स्मॉल में भी दो बातें पूछता है, एरे और के। तो एरे हमारा ये पूरा ड्यू अमाउंट वाला कॉलम हो जाएगा, कॉमा, और के कौन सा लोवेस्ट निकालना है तो हमको थर्ड लोवेस्ट निकालना है, तो लिखेंगे थ्री, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा वन, कॉमा जीरो। ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। फॉर्मेट में जाएंगे, कलर लगा देंगे, तो कलर हम लोग को लगाना है येलो कलर का बैकग्राउंड, तो फिल में जाएंगे, येलो कलर का बैकग्राउंड लेंगे, और रेड कलर का टेक्स्ट, तो फॉन्ट में जाएंगे और कलर ले लेंगे रेड। ओके ओके, तो ये हमारा विशाल एंटरप्राइज जो है ये थर्ड लोवेस्ट अमाउंट है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेट द सेल रेंज इन सच अ वे सो दैट इफ एनीवन एंटर एनी वैल्यूज इन द एबव रेंज विच इज सिमिलर टू प्रीवियस वैल्यूज देन इट विल हाईलाइटेड इन रेड कलर। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हम लिखें, अगर वो वैल्यू पिछली वैल्यू की तरह सिमिलर होती है तो वो दोनों वैल्यू कलर हो जाए। इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला, इक्वल टू इफ। अब इफ के साथ हमको यहाँ चलाना होगा काउंट इफ का फंक्शन, इफ के साथ काउंट इफ, तो इफ और तुरंत हम लोग को स्टार्ट करना है काउंट इफ। काउंट इफ में दो बातें पूछता है, रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज हमारा ये पूरा रेंज हो जाएगा, कॉमा, क्राइटेरिया का मतलब पहला सेल। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो पहला सेल हमने लिया है तो यहाँ हमको डॉलर हटा देना है इसका, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू वन। अब ये तो हो गया काउंट इफ का आर्ग्यूमेंट। अब कॉमा लगा करके अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो कलर यहाँ पे आपको उल्टा चलाना है, पहले लिखना है ज़ीरो और फिर लिखना है वन। यानी क्वेश्चन का मतलब सीधे सीधे है कि अगर वैल्यू रिपीट होती है तो कलर लगे और वैल्यू रिपीट नहीं होती है तो कलर न लगे। ब्रैकेट क्लोज,
फॉर्मेट में जाएंगे, कलर लगाएंगे, तो कलर हमको लगाना है रेड कलर, फिल रेड, ओके तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं सब पे कलर लग गया। अब अगर आप इसमें वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 7 तो अपने आप कलर हट जाएगा, 5 कलर हट जाएगा, तो जब भी आप कोई यूनिक वैल्यू लिखेंगे तो कलर हट जाएगा, और अगर सेम वैल्यू लिखेंगे तो कलर लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 5 लिखता हूँ जो कि डुप्लीकेट है, तो ये भी 5 कलर हो जाएगा और ये भी 5 कलर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।